हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हम अपने पार्क आ चुके हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये वही प्लांट है जिस प्लांट से हमने फलियां की रेसिपी बनाई थी। ये काफ़ी मेडिकेटेड होती है। इस समय इसमें नए नए पत्तियां आई हुई हैं, तो हम सोचे इसका कुछ नई रेसिपी बनाया जाए। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। फाइनली हमने सहजन की पत्तियां को तोड़ के ले आए हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये किस तरह कोमल पत्तियां हैं। ये देखिए, इस तरह का ये ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जो पके पके हो जाते हैं उसकी कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह का भी पत्तियां थी, इसे तोड़ लेते हैं। वैसे तो इसकी बहुत काफ़ी रेसिपी बनती है, जैसे इसके चने के दाल में दाल डाल के बनती है, और इसका सूखी सब्जी भी बनाते हैं लोग। तो काफ़ी मेडिकेट होता है, आपको पता ही है। इसकी सब्जियां की रेसिपी हमने पहले डाल चुकी हूँ, और आज हम इसके पत्तियां के पराठे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। पहले ये जो ये काफ़ी डंडियां में लगे होते हैं, इस डंडियां को हमें तोड़ के हटाना होता है। ये देख रहे हैं, ये सारे एक एक पत्ते को हमें तोड़ लेंगे, जिस तरह मेथी के पत्ते को तोड़ते हैं ना, उसी तरह, तभी तो पराठे बनेंगे। डंडियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर खाते वक्त डंडियां मुंह में आते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा पराठे। इसलिए चलिए तो हम इसे तोड़ते हैं, एक एक करके तोड़ लेते हैं, तब फिर बताते हैं पराठे की रेसिपी में क्या क्या लगती है। ये देखिए, हम इस तरह डंडियां से एक एक पत्ते तोड़ लिए हैं, और इसको एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं, ताकि पेड़ में धूल मिट्टी साफ़ हो जाए। और वॉश करके हमने इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके लोग जूस भी काफ़ी, ये पेन किलर होता है, इसके लोग जूस पीते हैं, चटनी बना के खाते हैं। आपको तो मैंने पहले ही बताया कि कितना मेडिकेटेड प्लांट होती है ये। इसकी फलियां की सब रेसिपी हमने डाल चुकी है ऑलरेडी, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं तो ये कहूँगी गाइज, जो चीज़ नहीं खाने लायक होना उसको आप किसी फॉर्म में खा सकते हैं, चाहे वो पराठा हो चाहे चटनी हो, क्योंकि जो बेनिफिट है उससे, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, घुटनों एवं जोड़ों के दर्द को बहुत आराम। चलिए हम इसका पराठा के लिए डो लगाते हैं। चलिए हम इसमें आटा डाल लेते हैं, एक कप। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे बेसन, ज्यादा नहीं, 1/4। अब ये हमने अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, थोड़ी सी ये भुना जीरा, थोड़ी सी हल्दी, स्वादानुसार नमक, तो सारे लग जाएंगे, थोड़ी सी ये तीखा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, ज्यादा नहीं। और ये हमारा अजवाइन, इसको क्रश करके, इसका स्वाद जो है क्रश करके डालने पर ज़्यादा उभर के आता है, और ये डाइजेस्ट होने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें गाइस तेल, एक चम्मच। इन सभी चीज़ों को डायरेक्ट पानी मत डालना गाइस, थोड़ा सा मिला लेना हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि इसकी डोह जो है थोड़ा टाइट होनी चाहिए। चलिए आपको मिला के दिखाते हैं। देखिए, आटा गूंथ के हमने तैयार कर लिया कुछ इस प्रकार टाइट डो। ये देख ली, इतना पानी लिए थे, पूरा इतना सब काम खर्च हुआ, ये सोच रहे हैं 1/4 भी नहीं खर्च हुआ। चलिए अब हम इसे पराठा बनाने के लिए तैयार। हमने तवा को रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे बेल लेते हैं।
बीच में आटा लगाते जाइएगा ताकि ये चिपके ना बेलन में। आप किसी राउंड में शेप में, पराठे के शेप में, जैसे मर्जी हो आप लगा सकते हैं पराठे को। हम तीनों शेप में आपको बताते हैं। ये आपको लग रहा है कि ये मेरा रोटी पराठे गोल शेप में नहीं बन रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप मनपसंद कटोरी के आकार लीजिए और उसको मूव करके दबाइए और आपका राउंड शेप में पराठे तैयार हो जाती है। ये फिर से इसको फिर से दोबारा इसे दूसरे पराठे में तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे करके हो जाएगा। गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ना जले और ना कच्ची रहे। चलिए तब तक ये पक रहा है, दूसरा बेल लेते हैं। ये देखिए हम एक तरफ पलटा दिए हैं इसको। अब ये देखिए दूसरी पर इसके मैंने पूरा बेल लिया। अब इसके ऊपर घी या पराठा जिसमें बना रहे हैं आप, रिफाइन में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं अक्सर पराठे जब भी बनाती हूँ देसी घी में ही बनाती हूँ। अब इस तरह का फोल्ड करना है आपको। फोल्ड किया, फिर से इसमें दोबारा घी लगाया, फिर से फोल्ड किया। अब इसे दोबारा बेल लेते हैं। मेरा ट्रायंगल शेप में हो गया, वो राउंड था ये ट्रायंगल शेप में। हमारा इस साइड पक गया है, इसको दोबारा पलटा के घी लगा देंगे। घी लगा के हमारे पास ये पराठे का दबाने का है, इससे क्या होता है चारों तरफ से पक जाती है आराम से, क्रिस्पी हो जाती है। इस तरफ भी घी लगाएंगे और इसको दबा दबा के पकाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप स्पून की सहायता से इसे दबा सकते हैं। कितनी करारी हो गई ना। ये देखिए हमारा ये बनकर तैयार है, तो हम इसे उतार लेते हैं, डाल देते हैं फ्लेम। जब भी पराठा डालें लो टू मीडियम करें। अब हम इसे स्क्वायर शेप में बना रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमने घी लगा लेंगे। चाहे तो आप ग्रीस कर लें ब्रश की सहायता से। इसे देखिए इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे और चारों साइड से फोल्ड करके फिर से दोबारा बेल लेंगे उसको। घी लगा लेते हैं, दोनों साइड पका लेंगे। हम देखते हैं और पटन इस तरह होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा स्क्वायर, हम तीन पराठा नहीं बनाएंगे कभी भी, चार हमेशा बनना चाहिए। हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। हमने इसको दही से सर्व किया है। आप इसे चाहे तो चटनी या तो सॉस के साथ या तो धनिया की पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें। कई लोग इसे अचार के साथ खाना पसंद करते हैं, कई लोग इसे चाय के साथ पसंद करते हैं। आपको जो पसंद आए उससे खाइए। तो आप इसी तरह घर पर बनाइए और हमें बताइएगा कमेंट में कैसा लगा।
आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।